टीकमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुछ बंदियाना मोहल्ले में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। कार्यवाही में हाथ भट्टी देसी शराब के साथ भारी मात्रा में महुआ का लहान नष्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक कोतवाली पुलिस को अवैध शराब के कारोबार संचालित होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देशन एवं कोतवाली प्रभारी मनीष अहिरवार के नेतृत्व में शहर के न्यू बस स्टैंड के पास कुछ बंदिया मोहल्ले में पुलिस द्वारा छापामार कार्यवाही कर भारी मात्रा में महुआ लहा नष्ट किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश जारी है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। सर आज जो बताएं सर, जो कुछ बंदी मोहल्ले में दारू पकड़ी गई, कितनी दारू पकड़ी गई, कितने आरोपी पकड़े गए? काफ़ी दिन से कुछ बंदिया मोहल्ले से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ देसी शराब बनाए जाने का काम किया जा रहा है। पूर्व में भी यहाँ कार्रवाई की गई थी और अभी वर्तमान में सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लहान और ये सब वहाँ पर जमीन के अंदर डब्बों में और बोरियों में गाड़ के रखे हुए हैं। इसकी सूचना पर तस्दीक पर दो टीमें बना के यहाँ से रवाना की गई थी। टीमों ने वहाँ जाके देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारी मात्रा में जमीनों के अंदर डब्बों के अंदर लगभग 2000 लीटर के लगभग लहान उन्होंने वहाँ मौके पर नष्ट किया है। दो टीमें थी, दोनों टीमें अभी आ रही हैं, कार्रवाई अभी होके आ रही है। उसके बाद अभी एक टीम आ चुकी है जिसे मतलब एक व्यक्ति आया 10 लीटर शराब करीब उसके पास से बरामद हुई है और शेष अभी टीम आने पर आगे जो भी कार्रवाई है उसको विषय बताया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।